हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे विक्रांत रोना 3D। लेकिन उससे पहले मेरे सारे कनाडी गास को नमस्कार बोलूंगा। और हाँ, अगर कुछ सालों पहले KGF आने से पहले अगर मैं किसी को कहता कि भाई मैं कनाडा मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ, तो लोग बोलते हैं क्या कनाडा मूवी के लिए एक्साइटेड है? अब क्या तेरे को और कोई और इंडस्ट्री की मूवी नहीं मिली? क्या तेरे को बॉलीवुड की मूवी देखने का नहीं है? लेकिन आज लोग वेट करते कि भाई अगली कनाडा मूवी कौन सी है। उसका अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल विक्रांत रोना 3D। यकीन नहीं आता तो कभी मुंबई आके मूवी लवर्स के बीच में बैठना, तो तुमको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर मूवी का क्रेज कितना है। तो आज इसका ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ है, तो फिर नो डाउट ये मूवी 200 करोड़ हिंदी बेल्ट में तो पक्का है। और सलमान खान बहुत होशियार है भाई, भले उनकी मूवी आए चाहे नहीं आए, मूवी चले चाहे नहीं चले, लेकिन इस बार जो उन्होंने कदम लिया इस पर्टिकुलर मूवी को हिंदी में रिलीज करने का, बहुत ही सही मास्टर स्ट्रोक है। और भाई ट्रेलर अगर आप लोग ने भी देखे होंगे तो आप भी यही बोलोगे कि यार वाकई में इस बार कन्नड़ इंडस्ट्री ने अपने उस लेवल को और भी उठा दिया। KGF ने तो ऑलरेडी बार यहाँ तक सेट कर दिया था, लेकिन विक्रांत रोना अब और भी ऊपर आ गई है। मुझे नहीं पता कि इसके बाद कन्नड़ इंडस्ट्री वाले और क्या बवाल मचाने वाले, लेकिन फिलहाल ये पर्टिकुलर मूवी देखने लायक होगी। ये एक ऐसी फैंटेसी एडवेंचर मूवी होगी जो आप लोग हॉलीवुड में देखते थे अब तक, लेकिन अब वो हमें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में देखने को मिला, स्पेशली कन्नड़ इंडस्ट्री की तरफ से। और इसमें है नन अदर देन बादशाह किच्चा सुदीपा, जिनका एक्टिंग इतनी अच्छी है कि दबंग 3 में सलमान खान को भी उन्होंने कच्चा खा लिया था। मैं सलमान खान का खुद फैन हूं, और मैं जब वो पिक्चर देख रहा था तो मुझे सलमान खान कहीं दूर दूर नजर नहीं आ रहे थे किच्चा सुदीप के सामने। और अब जब किच्चा सुदीप ही मेन लीड में है तो सोचो क्या बवाल आफत मचाएंगे। ट्रेलर बहुत अच्छा है, मूवी को पूरा डार्क रखा है, ऐसी ही डार्क मूवी देखने अपने को भी अच्छा लगता है। CGI की बात करो तो थोड़ा सा माइनस पॉइंट लगा मुझे, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पता नहीं मूवी में इससे भी अच्छा CGI हमें देखने मिले। आप मानो या ना मानो लेकिन थोड़ी सी कमी है, लेकिन बजट की वजह से ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके अलावा एक्शन सीन्स अच्छे थे, वो जो एक एटमोसफियर लोगों ने बांधा है ना, वो गूज़बम्स लेके आ रहा था भाई। और जैकलिन फर्नांडिस की भी एक झलक देखने मिली, आई वॉज नॉट एक्साइटेड। एक्ट्रेस अपने को इतना समझ में नहीं आती फिल्मों में, उनका काम भी नहीं होता, जैकलिन का भी यहाँ पे कुछ खास काम नहीं होगा। उसके अलावा जो वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर सुन के अच्छा लगा। और क्या सलमान खान का वॉइस ओवर आप लोगों ने सुना है क्या? ऐसा मुझे लगा, पता नहीं, शायद आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साउथ म्यूजिक डायरेक्टर जितने भी हैं उनको सैल्यूट करता हूँ। ये कहाँ कहाँ से लोग सोचते हैं यार, जो हिंदी वाले नहीं सोच पाते वो साउथ वाले सोचते। BGM अगेन अच्छा लगा। और अगर डायरेक्शन की बात करो तो देखो ट्रेलर से तो मैं इतना खास बता नहीं सकता कि अनूप भंडारी ने क्या कमाल किया, लेकिन लगता है काफी प्रोमिसिंग है। मैं तो बेस्ट ऑफ लक ही बोलूंगा पूरी टीम को, और होप करता हूँ कि ऑडियंस जिस होप से इस पर्टिकुलर मूवी को देखने, वो होप उनकी फुलफिल हो। और ट्रेलर की आपको क्या खास बात लगी वो भी मुझे बता सकते हो। फिलहाल तो मुझे स्टार्टिंग से लगा एंड तक पूरा ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, और एक और बोलते ना एक एक्साइटमेंट जग गई है कि भाई कब July 28 आएगा, कब मैं इस पर्टिकुलर मूवी को देखूंगा, कब पता चलेगा कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है इस मूवी। तो यार बस इस वीडियो में इतने, आई होप आपको भी ये ट्रेलर अच्छा ही लगा होगा। डेफिनेटली यार इतने बड़े तो बुड़बक तो हो नहीं, तो कैसा लगा बता देने का। अपन चलता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, विक्रांत रोना के ऊपर और वीडियोस बनाना है तो भाई कमेंट करो। टिल देन